प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अब तक मुझे भरोसा है कि सेक्स एजुकेशन वाले ये वीडियोस देख करके जो है आप बड़े हो चुके हैं, आपकी समझ पक्की हो चुकी है। आज भी जो हमारा टॉपिक है वो 10वीं कक्षा की इस किताब में है, विज्ञान की किताब में, रजोधर्म, मेंस्ट्रुएशन या माहवारी या ऋतुस्राव, और भी इसके नाम हैं पीरियड्स। तो आज का टॉपिक तो भले ही हमारा बहुत छोटा है, किताब में केवल इसको 5 से 7 लाइनों में ख़त्म किया हुआ है, लेकिन इसका जो सबक है वो बहुत बड़ा है। फिर चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, इसके बारे में जानकारी होना सबके लिए ज़रूरी है। तो आज का वीडियो तो आप लोगों को पूरा देखना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें समझेंगे इस टॉपिक को लेकर के, और दुनिया भर में क्या स्थिति है या हमारे देश भर में क्या स्थिति है उसके बारे में जानेंगे। और एक छोटी सी चीज़ और, हम कुछ ना इस वीडियो में बाहर निकालने वाले हैं। बाहर क्या निकालने वाले हैं ये आप सोच भी रहे होगे मेरे हाथ में क्या है, बस उसी चीज़ को। मेडिकल पर अगर हम जाते हैं और उनसे सैनिटरी नैपकिन मांगते हैं तो वो एक हमें काली थैली में, वैसे तो मेरे पास ब्लू है, लेकिन वो काली ऐसे पॉलीथिन में डाल करके और उसको एक अखबार में लपेट करके और तब हमारे हाथ में देते हैं। तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल देने का क्या मतलब है कि हम इसको इतना समझ लेंगे कि जो महिलाओं की स्थिति है, जो लड़कियों की स्थिति है, जो हमारी बेटियां हैं देश की, उनकी जो स्थिति है इसको लेकर के, या जो हमारी बहनें हैं उनकी जो स्थिति है इसको लेकर के, वो अब वैसी नहीं रहेगी जैसी हम आज तक से समझते आए हैं या हमने आज तक समझने की कोशिश ही नहीं करी है। उनको भी कंफर्ट मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले किताब में क्या क्वेश्चन दे रखा है कि प्रश्न है कि क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, या इंग्लिश में अगर इसको हम समझें तो क्वेश्चन है कि क्या होगा जब जो एग सेल है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ऐसा क्वेश्चन है। क्यों है क्वेश्चन? क्योंकि इससे जस्ट जो पिछला वीडियो था मादा जनन तंत्र का या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, उसमें हम एक चीज़ समझे थे कि जो ओवरी है या जिनको हम लोग अंडाशय कहते हैं, उनमें अंड कोशिकाएं हैं बहुत सारी, और यौवनारंभ जब होता है, जब प्यूबर्टी आती है, तो प्रत्येक माह क्या होता है, एक अंड या तो इस अंडाशय में से या इस अंडाशय में से रिलीज होता है या उसे छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ा जाता है? आगे की तरफ, इस फेलोपियन ट्यूब से होकर के। कहाँ, किसकी ओर जाता है वो? यूट्रस की तरफ जाता है या गर्भाशय की तरफ जाता है, यहाँ पर इस तरफ। और वो इस उम्मीद में आगे बढ़ता है कि जो स्पर्म सेल है या जो शुक्राणु है वो उससे मिलेगा और यहाँ पर एक बच्चा स्थापित होगा। लेकिन हम ये मान रहे हैं या ऐसा जब हो रहा है कि यहां से किसी स्पर्म सेल का या शुक्राणु का प्रवेश नहीं हुआ है, तो यहां से तो अंड कोशिका हर महीने निकल रही है। एक कोशिका निकलेगी, अब वो यहां आएगी, तो जो गर्भाशय है उसने क्या सोच रखा था, समझ रखा था कि हर महीने अपने को वो जो अंड कोशिका आएगी तो उससे जो शुक्राणु मिलेगा उन दोनों का क्या होगा, निषेचन होगा, और निषेचन से एक भ्रूण बनेगा, और उस भ्रूण को बड़ा करने के लिए मेरे को पोषण देना पड़ेगा। तो पोषण देने के लिए ये जो लाल हमने यहाँ पे डार्क कलर कर रखा है ना, ये रक्त यहाँ पे बहुत सारा आकर के इकट्ठा होने लग जाता है, ताकि वो जो बनने वाला भ्रूण है, जो संभावी भ्रूण है जो कि शायद बनेगा, तो उसको पोषण दे सके। लेकिन भ्रूण तो बना ही नहीं, भ्रूण नहीं बना, एम्ब्रियो नहीं बना। क्यों? क्योंकि शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो अंड कोशिका है वो यहां पे इस भित्ति में स्थापित होने की बजाय क्या होता है, नीचे की तरफ चली जाती है। और अब ये गर्भाशय को आप इस तरह से ऐसा मानिए कि एहसास होता है कि ये जो खून वून इकट्ठा किया है इधर, ये स्पॉन्जी और मांसल किताब में शब्द काम में लिया है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी अब छोड़ दो, खत्म करो, बेकार है, अपने लिए कोई काम का नहीं है। तो ये जो सारा जो खून है ये बूंद बूंद होकर के नीचे गिर जाता है और एकदम से सारा बाहर नहीं आता। और ये भी एक बड़ी बड़ी समस्या है, और ये सारा योनि से होकर के इधर से बूंद 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 होकर के बाहर आने लग जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लीजिए अगर स्त्रियां या महिलाएं चाहें कि हम जाएं और एक ही बार में इसको बाहर निकाल दे शरीर से, तो ऐसा भी नहीं है। वो तो जब तक पूरा ख़त्म होगा 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 तब तक ही पूरा ख़त्म होगा हो पाएगा अपने आप से। तो ये जो पूरी घटना है, इस तरह से जो रक्त का और म्यूकस का, इसको बोलते हैं रुधिर और म्यूकस, ये जो म्यूकस है ये जो बाहर निकलता है, तो इसमें पूरे में लगभग 2 से 8 दिन का समय लगता है।
और इस पूरे चक्र में लगभग एक महीने का समय लगता है, एक मास का समय लगता है, और इसीलिए इसको हम लोग माहवारी या मासिक धर्म भी बोलते हैं। और ये बात इतनी साधारण है, इतनी सामान्य है कि हमारे देश में तो क्या पूरी दुनिया में ही हर स्त्री जो है अपने यौवनारंभ से लेकर के 40 से 50 तक की आयु में जब तक ये बंद हों पीरियड्स तब तक इससे होकर के गुजरती है, और हर महीने उनके शरीर से इतना सारा जो खून है और जो म्यूकस है वो बाहर निकल जाता है। तो अगर किताब की बात करें तो देखिए किताब में हमें यही लिख करके दिया है कि अंडकोशिका का जब निषेचन नहीं होता तो यह लगभग एक दिन तक जीवित रहती है ये अंडकोशिका, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह अंड का मोचन करता है। अंडाशय या तो ये वाला हर महीने एक अंडकोशिका भेजेंगे, और फिर क्योंकि निषेचन नहीं हुआ तो वो एक दिन तक जिंदा रहेगी, और फिर उसके बाद क्या होगा कि अतः इसकी जो अंतः भित्ति है मांसल और जो है स्पॉन्जी हो जाएगी। मांसल का मतलब होता है थिक, ये जो अंदर की दीवार है, अंदर की जो भित्ति है, ये 3D में आप इसको एक बैग की तरह कंसिडर करो, एक मानो एक थैला है जिसमें बच्चा आके रहेगा भविष्य में, तो इसकी जो दीवारें हैं वो मोटी हो जाती है, मांसल हो जाती है और स्पॉन्जी स्पंज की तरह हो जाती है। अच्छा फिर क्या होता है, यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है कि अगर अंड का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां पर बच्चा जो है बड़ा होगा और ये उसको पोषण देगी। फिर उसके बाद है परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है, और यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस, खून और म्यूकस के रूप में बाहर निकलने लगती है। इस चक्र में लगभग एक महीने का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जो मैंने यहां पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, ऋतुस्राव। इसकी अवधि जो है वो लगभग 2 से 8 दिन तक की होती है, 2 से 8 दिन, वो भी मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और बात इसके बारे में, पहली बार में किसी स्त्री में रजोधर्म का शुरू होना कहलाता है रजोदर्शन, या इसको बोलते हैं मीनार्की। और ये जो पीरियड्स हैं ये किसी स्त्री में 40 से 50 वर्ष की उम्र तक होते हैं, और उसके बाद उनके शरीर में पीरियड्स आना या जो मासिक धर्म है वो आना बंद हो जाता है, और वो पूरी तरह से जब बंद हो जाते हैं ना तो उसको कहते हैं हम लोग रजो निवृत्ति या मीनोपॉज। अब हम बढ़ते हैं असली सबक की तरफ जिसका मैंने आपको वादा किया था। तो पहले सुनते हैं एक छोटा सा इंसिडेंट, एक घटना के बारे में। ये एक मैंने यहाँ पे एक लड़की का नाम लिखा है, इनका नाम है रिदम रस्तोगी, कम आयु की लड़की हैं और इन्होंने एक देश में आंदोलन खड़ा किया है। वो एक घटना बताती हैं कुछ इस तरह से कि वो जब 8 साल की थी रिदम, तो वो अपनी मम्मी के साथ में कहीं बालकनी पे खड़े थे, अपने घर की बालकनी पे, तो पास वाली बालकनी में, ऐसे फ्लैट्स में होता होगा ना, पास में ही बालकनी में किसी और घर पे जो काम करने वाली बाई आती है वो बर्तन धो रही थी बैठ करके, लेकिन है ना वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। और रिदम उस वक्त 8 साल की थी, तो इनको तो पता नहीं था कि ये मासिक धर्म क्या होता है, रजोधर्म या ये महावारी क्या है, पीरियड्स क्या है, तो वो औरत ना कुछ छुपा रही थी, कुछ कोशिश कर रही थी छुपाने की। तो इतने में ही क्या हुआ कि एक कपड़ा उनसे मतलब बाहर आ गया, छूट गया उनसे, जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, बाहर मतलब बर्तनों में आके गिरा, और एक वो बड़ी जो तपेली होती है बर्तन धोने की उसमें जाकर के वो गिरा, और वो पूरा जो वहाँ पे पानी था वो सारा का सारा ऐसे खून के कलर का हो गया, गाढ़ा लाल और ब्राउनिश कलर। और इतने में ही उस मकान में ही जो मालिक रहते थे वो कुछ वहीं पर एक डस्टबिन में कूड़ेदान में कुछ कूड़ा डालने को आ गए, तो वो कह रही हैं कि उस वक्त वो महिला और जो भाई हैं उनके हाथ कांपने लग गए और वो पूरा ही डरने लग गई। तो ऐसी घटनाएँ हमारे देश में जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। महिलाएं क्या करती हैं, कोई सा भी कपड़ा लेती हैं, उसको अपने रजोधर्म में या महावारी में उपयोग में लेती हैं, 2 से 8 दिन तक उसको काम में लेती हैं, जब वो खून से सन जाता है, पूरा भर जाता है, तो उसको चुपके से जा करके कहीं धोती हैं ताकि किसी को पता ना चले, और फिर उसी कपड़े को धूप में भी नहीं सुखाती, वो क्या करती हैं कहीं पर पलंग के नीचे डाल देती हैं या गद्दे के नीचे छुपा देती हैं गीले गीले कोई, और फिर वो जब 2-3 दिन में सूख जाता है तो फिर वो वापस से उसको अगली बार काम में लेने के लिए तैयार कर देती हैं। और इतना ही नहीं,
आपको जानकर के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि हमारे देश में लगभग आधी जनसंख्या हम मान सकते हैं कि महिलाओं की, लगभग आधी। और अगर मैं 140 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या मानूं या 135 करोड़ भी माने, तो उसमें से 2016 का तो डेटा ये है कि हमारे देश में 35 करोड़ ऐसी महिलाएं थीं जो पीरियड से होकर के गुजर रही थी, रजोधर्म जिनको था, मतलब यौवनारंभ से लेकर के 40 से 50 उम्र तक की जो महिलाएं हैं वो। तो आज उनकी संख्या 40 करोड़ से तो ज़्यादा होगी, पक्की बात है। तो 40 करोड़ महिलाओं में से 88% जो महिलाएं हैं ना, वो रिस्क पर हैं इन्फेक्शंस की। क्योंकि आप एक बात समझ करके देखो कि ये हमारे शरीर का एक अंग है, महिलाओं के शरीर का एक अंग है, और इसमें अगर इस तरह से कपड़े अगर आप यूज़ करेंगे या महिलाएं यूज़ कर रही हैं, तो उसमें कितने सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, कितने सारे हो सकता है फंगस आ जाएँ, या कुछ और हो सकता है, कोई वायरसेस आ जाएँ, तो वो फिर इन्फेक्शंस कर सकते हैं और फिर उससे बड़ी बीमारियाँ हो सकती है। और तो और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है ना, तो वो महिलाएं डरती हैं किसी डॉक्टर के पास जाकर के उनको बताने में से, बल्कि उनको तो ये लगता है कि कोई बात नहीं ना, प्रॉब्लम है तो है, सभी महिलाओं को होती है प्रॉब्लम, तो हम तो फिर कौन से ही नए हैं। फिर इतना ही नहीं, आप अगर नोटिस करोगे ना, तो इस टाइम पर, इस पीरियड के टाइम पर महिलाओं को कहीं मंदिर में जाना अलाउड नहीं होता। मंदिरों के बाहर बोर्ड लगा हुआ होता है कि मेंस्ट्रुएशन जब भी हो तो महिलाएं मंदिर में ना आएं। फिर उसके अलावा घर में काफ़ी जगहों पर तो ऐसे होता है, रसोई में नहीं जाने देते, या उसके अलावा कहीं कुछ कुछ जगहों पर तो ऐसा होता है कि वो औरत को या जो भी लड़की पीरियड से होकर के जा रही है, तो उनको एक अलग कमरे में रखते हैं 4 से 5 दिन तक, पूरे घर वाले उससे मिल नहीं सकते। और ऐसा माना जाता है कहीं कहीं पर कि अगर वो बच्ची या वो जो व्यक्ति है, जो महिला है, वो किसी और को अगर छू देगी ना, अपनी माता को छू देगी, अपने पिता को, तो उनमें कोई आत्मा आ जाएगी, उनमें कोई चुड़ैल आ जाएगी, या ऐसा कुछ भी माना जाता है। और इसके अलावा और तो और जो खतरनाक बात है वो ये है कि कहीं कहीं पर मैंने ऐसा सुना है कि जो महिलाएं हैं वो सूखे हुए पत्ते काम में लेती हैं उस खून को साफ़ करने के लिए, या फिर सूखी हुई घास को काम में लेती हैं, और या फिर जैसे ब्लाउज़ होते हैं ना महिलाओं के, जो साड़ी वगैरह के, तो उसके कटे हुए टुकड़े काम में लेती हैं। और उन ब्लाउज़ में तो काफ़ी बार क्या हुक होते हैं, आपको पता है, तो वो हुक लोहे के होते हैं और उनमें जंग भी लग जाते हैं, और वो जंग जो लगा हुआ है ना, उससे ये तक हो सकता है कि यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाए, या टिटनस बीमारी होती है अगर आपको ध्यान हो तो, है ना, लोहे के इन्फेक्शन से, लोहे की चोट लगती है तो टिटनस की सुई भी लगती है, आपको पता होगा। तो ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं और ऐसे केसेस होते हैं देश में। और सिर्फ इतना ही नहीं कि काफ़ी बार, कुछ बार तो ऐसे होता है कि उनका वो जो कपड़ा है उस पर चींटियाँ आ जाती है, लाल चींटियाँ तक, और वो कपड़ा वापस से तक काम में ले लेते हैं। और ये तो विश्वास नहीं होगा, ये रिदम ही बता रही हैं, जब उन्होंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं से बात की है, बहुत सारी बच्चियों से बात की, तो जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं वो तो मोजा होता है ना, गंदे से गंदा मोजा, जिसको पहले भी काम में लिया जा चुका है या क्या, वो तक काम में ले लेती हैं। इतना ही काफ़ी नहीं है ना, थोड़ा सा और बताता हूँ मैं तुमको कि एक, जैसे एक छोटी बिटिया का उदाहरण दिया कि वो होगी 7वीं 8वीं कक्षा में, तो उसके साथ क्या हुआ कि बैठी थी वो बेंच पे, और उसको वहीं क्लासरूम में ही जो है पीरियड जाना शुरू हुए, तो धीरे धीरे खून निकलना शुरू हो गया होगा, म्यूकस आना बाहर शुरू हो गया होगा। अब क्लासरूम में जो टीचर थे ना, वो एक मेल थे, और वो ये टॉपिक वॉपिक तो पढ़ाते ही कहाँ, वो बच्ची इतनी डरी हुई थी कि उनने उनसे पूछा ही नहीं, और क्या किया कि वहीं बैठी रही 6 घंटा, पूरा स्कूल का 6 घंटा। और जब तक छुट्टी हुई वो पूरा इतना ज़्यादा नीचे खून इकट्ठा हो गया कि वो पूरा कपड़े नीचे से ख़राब हो गए, और फिर वो ऐसे छुपा करके कुछ जो भी कपड़े वपड़े, वो चुन्नी वगैरह या कुछ भी उसके पास हो तो जैकेट या जो भी स्वेटर, और अपनी सहेलियों को बोला कि भाई आप मेरे चारों तरफ ऐसे घेरा वगैरह बना लो और फिर चलते हैं, उनको घर तक छोड़ने करके गए। तो ये बात पता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने जब टॉपिक शुरू किया था ना तो ये बात मेंशन की थी। ये बात एक और है, खैर हमारे पास अदिति गुप्ता, तो ये जो अदिति गुप्ता हैं ये बता रही हैं, एक डिज़ाइनर है मुंबई में, और ये कह रही हैं कि देखो घर वाले तो पहली बात इस टॉपिक पर हमसे बात ही नहीं करते, जबकि ये तो एकदम नेचुरल है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हमने वो पढ़ा था शारीरिक संबंध स्थापित करने के बारे में भी, या बच्चा कैसे पैदा होता है, हम सब ऐसे ही पैदा हुए हैं, लेकिन ये फिर से एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। घर वाले तो बात करेंगे नहीं, जूते चप्पल उठा के और पीछे पड़ जाएंगे, और स्कूल वाले बात नहीं करते। ये जो हैं हमारे पास में, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, अदिति गुप्ता, ये भी यही कह रही है कि हम भी वो शहर में जब बड़े हो रहे थे तो स्कूल में चैप्टर को तो छुड़वा दिया, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तो एक बात तो ये समझ में आती है
कि जो गांव में रहने वाली या जो थोड़े देहाती इलाके हैं वहां पर रहने वाली जो बच्चियां हैं उनके लिए समस्या थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहां पर अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा अगर हमें ऐसा लगता है ना कि शहरों में जो है लड़कियां उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हैं या वो बहुत ज़्यादा होशियार हो गई हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये भी एक तरह से मिथ है, ये भी एक भ्रम है। बल्कि बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ये पीरियड या मेंस्ट्रुएशन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। तो बात यहाँ पर ये है कि 88% जो महिलाएं हैं हमारे देश में वो रिस्क पर हैं। वो रिस्क पर किस बात के लिए? कि इन्फेक्शन के लिए, या वो गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं, या कुछ और समस्या उनके साथ में होने की संभावना है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चंस ले रहे हैं पहले अपन, बेसिक क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जाना हो तो मैंने यहाँ पर इन लोगों के नाम लिखे हैं और एक और अदिति गुप्ता, आप उनके बारे में ढूंढ सकते हैं और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या किसी डॉक्टर से जाकर के आसपास में मिल सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, किसी महिला शिक्षक से बात कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भाई इसमें क्या होता है, कुछ एक बच्चियों का क्वेश्चन हो सकता है कि दर्द क्यों होता है, ये जो मेंस्ट्रुएशन है इसमें दर्द होता है। अच्छा, दर्द क्यों होता है? कि जब ये अंडकोशिका बाहर निकलती है ना, तो जो यूट्रस है वो थोड़ा इसको बाहर निकालने की कोशिश करता है और ऐसा लगता है कि मरोड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है और ये फिर धीरे धीरे करके बाहर आने लग जाता है सारा का सारा खून और म्यूकस। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि पहले पता कैसे चले, है ना, माता पिता को या अगर टीचर देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हाँ यार पता कैसे चले पहले बच्चे के बारे में कि गुड़िया को होने वाला है पीरियड्स या नहीं। तो वो क्या होता है, एक शब्द है ऐसा अंग्रेजी में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, लड़कियों का जो मिजाज है ना वो थोड़ा बदल जाता है, स्त्रियों का जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाती हैं और थोड़ा सा उनको दर्द होने लगता है, या ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत प्रकट होने लगती हैं। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि पीरियड्स शुरू होने वाले हैं, हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है कि क्या कमज़ोरी आती है क्या? बच्चों में क्वेश्चन होगा कि सर इतना सारा तो खून निकल जाता है हर महीने, तो कमज़ोरी आती है क्या? तो देखो, सीधे तौर पर मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पर, लेकिन एक बात आप ध्यान रखो कि इस पीरियड में, इस दौरान आपको जो है पौष्टिक आहार खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए, दूध दूध पीना चाहिए, रोटी सब्जी तो अपन खा ही रहे हैं, है ना। पौष्टिक आहार की परिभाषा तो आप पढ़ ही रहे हो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में बचपन से, उसके बारे में आप और जान सकते हो। दूसरी बात, एक मैं भूल गया यहाँ पर दर्द में, तो ये जो दर्द होता है ना इसको कम भी किया जा सकता है और उसके लिए कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि इनके जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं उनका कुछ हम आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कराएं, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखना, ताकि हम लोग आपको वो लिंक में या कहीं पर डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो प्रोवाइड कराएं, लिंक जो बाकी उन्हें एक्सपर्ट्स ने जो बनाए हैं वो फिर आप तक वो लिंक से पहुँचा देंगे हम लोग, बताना ज़रूर। फिर कुछ एक प्रश्न हो सकता है कि सर बहाव कम या ज़्यादा होता है किसी किसी लड़की में, लड़कियों में आपस में बात होती होगी तो पता चलता है कि किसी लड़की के खून कम निकलता है, किसी के जो है ज़्यादा निकलता है, किसी का भाव ज़्यादा है, किसी का भाव कम है। तो ये क्यों होता है? ये इसका एक बड़ा कारण तो ये है, हमारे सर में एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यहाँ पे, तो ये जो ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड कहलाती है और ये हमें बड़ा करती है, बड़ा मतलब दाढ़ी मूंछ और ये सब कुछ। तो हार्मोन्स के कारण होती है ये चीज़, और अपन हार्मोन्स के नाम भी पढ़े ही थे अपन ने थोड़े बहुत, तो जैसे टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था पुरुषों में, स्त्रियों में पढ़े थे अपन ने दो, प्रोजेस्टेरोन पढ़ा था, एस्ट्रोजन भी पढ़ा था, तो ये अपन ने पढ़े हैं नाम। तो इन हार्मोन्स के कारण क्या शरीर में परिवर्तन आते हैं। अब हो सकता है किसी में हार्मोन थोड़ा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, किसी में हार्मोन के कारण आने वाला बदलाव ज़्यादा है, किसी में कम है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक मोटा मोटा कारण है। फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, कि हमारे देश में बहुत सारी जो महिलाएं हैं, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि वो आज भी एक कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हम अगर देखें तो एक जो नई होड़ चली है, एक नेटफ्लिक्स पर फिल्म भी बनी है इस पर, पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस करके, एंड ऑफ द सेंटेंस, कि भाई पीरियड्स बोल दो तो सारी बातें ही खत्म हो जाती हैं, सब जन बोलते हो क्या बोल दिया, क्या बोल दिया सबके सामने, है ना। बच्ची अपने पिताजी के सामने नहीं बोल सकती, बड़े भैया के सामने, छोटे भाई के सामने नहीं बोल सकते। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरी मम्मी को पता है कि मैं ये चीज़ें भी पढ़ानी पड़ती हैं मेरे को, तो भी आज तक मैंने ऐसा घर पे नोटिस नहीं किया कि मेरे को कहते हो कि यार वो अब तू जा रहा है तो सैनिटरी नैपकिन ले आना, मेरे को भाभी ने ऐसा कहा, मुझे याद नहीं, नहीं करते वो लोग शेयर। तो ये एक बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में इसको टैबू माना जाता है, टैबू,
अभी टैबू शब्द का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो वर्जित है, जो मना है करना। जैसे मान लो कि हमारे समाज में अगर हम कहें कि कोई पांच शादी करके आए तो वो पांच शादी मतलब वो एक टैबू की तरह है ना कि नहीं करते, ये गलत बात होती है, सही बात नहीं होती। या ऐसे और भी काम हैं जिनको हम टैबू मानते हैं, वो करते ना क्या जुआ खेलते हैं तो वो जुआ खेलता है यार, मतलब वो गलत माना जाता है, तो इसको भी गलत मानते हैं। अब सवाल है कि क्यों, ये तो सबको ही होगा ना, हर लड़की को होगा, बल्कि जिनको नहीं होता उनकी फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। डॉक्टर्स के जाओ, दवाइयां शुरू करो अलग अलग, और बड़ी समस्याएं। तो टैबू उसको मान रखा है हमारी सोसाइटी में, और इसीलिए क्या रसोई में मत आओ, बर्तनों को मत हाथ लगाओ, चुड़ैल आ जाएगी, भूत आ जाएगी, आत्मा आ जाएगी। और हाँ, एक और ये वाला इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई सैनिटरी पैड को देख लेगा ना, कोई पुरुष अगर देख लेगा तो वो अंधा हो जाएगा, आँखें उसकी चली जाएंगी, तो ऐसा भी माना जाता है। तो इसीलिए फिर उसको गद्दे के नीचे छुपा के रखते हैं या कहीं और। तो अपन आ रहे हैं इस बात पे। तो पहली बात तो क्या क्या काम में लें, है ना, ये उन बच्चियों के लिए, उन गुड़ियाओं के लिए है, थोड़ी मैंने रिसर्च की है, पहले भी की थी, अभी भी की है, कि क्या काम में लें। तो सबसे ज़्यादा तो हम क्या काम में लेते हैं, ये तो क्लियर है कि कपड़ा, सूती कपड़ा, कोई ना कोई कॉटन का क्लोथ, और एक ही कपड़े को बहुत सारे जो है बार बार काम में लेते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ही चीज़ें हैं, टेम्पोन है, पैड्स हैं, कप्स हैं, और खैर पीरियड्स तो ये इसके लिए लिखा हुआ है, इसके लिए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इन पर थोड़ा सा अपन बात करते हैं। तो आजकल चर्चा क्या है कि हमें बाज़ार से कुछ ऐसे सैनिटरी पैड्स मिल जाते हैं, और ये पहले महंगे हुआ करते थे, लेकिन अभी पिक्चर भी आई थी अपने अक्षय कुमार जी की, और इन व्यक्ति का नाम है अरुणाचलम मुरुगनंदम। तो ये इन्होंने वो पैडमैन जो पिक्चर बनी है ना, वो इनके ऊपर ही बनी है, अक्षय कुमार वाली। तो पहले तो इन कंपनियों के जो थे शायद थोड़े महंगे आते थे, फिर बाद में ये सस्ते भी आने लग गए। तो ये वाला भी जो मैंने मेरे हाथ में है, ये 5 रुपये का एक आता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हो सकता है कि काफ़ी जगहों पर ये महंगा लगे। और ऐसा नहीं है, बाकी कंपनियां भी हैं, जो वो जो मैंने आपको बताया फिल्म में, उसमें ये दिखाया है कि अलग अलग गांव में जाकर के अलग अलग जो एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, 2 रुपये में 3 रुपये में ये पैड प्रोवाइड कराते हैं। अब ये पैड के साथ क्या है कि यूज़ करो इसको, और इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ मटेरियल है अंदर, फाइबर है कोई, जो सोख लेता है म्यूकस को और रक्त को पूरा। तो उससे क्या होगा कि कपड़े उपड़े ख़राब नहीं होंगे, और उसको पहने रख सकते हैं कुछ एक घंटे तक, जो भी समय सीमा है, और फिर उसको एक अखबार वगैरह में लपेट करके और कहीं फेंक दिया जाए, और फिर अब जब ज़रूरत हो तो नया काम में लो। तो यहाँ पर एक छोटी समस्या जो अब सामने आ रही है देश भर में या दूसरी जगहों पर, वो है कि फेंके कहाँ। वो भी है ना कि पैड दिख जाएगा तो किसी को पता नहीं क्या हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, तो फेंकने की भी समस्या है। इसलिए भी जो है महिलाएं नहीं काम में लेती, या मेडिकल स्टोर पे भी जाओ तो वो ऐसे छुपा के ऐसे लपेट के देते हैं, जैसे वो शराब की बोतल ऐसे बांध करके दे रहे हो अखबार में, फिर एक काली थैली में ड्रग्स बेच रहे हो। वैसे ही एक और चीज़ है हमारे पास में, टेम्पोन। टेम्पोन क्या होता है, ऐसे गोल होता है टावल जैसा छोटा सा, और इसको क्या करते हैं, योनि के अंदर सीधा ही डाला जाता है उसको, यहाँ पे ऐसे रहता है गोल सा, मुलायम ही होता है, ऐसे फाइबर ही है उसमें भी, और वो पूरा का पूरा इसको जो है रुधिर को सोख लेता है, और उसको फिर निकाल करके उसको लपेट करके फेंकना होता है। अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं या कपड़ा भी काम में ले रहे हैं, तो एक तो जो बच्चियाँ हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हाथ जो है अपने बहुत बहुत अच्छे से धोने चाहिए। अब क्वेश्चन फिर घूम फिर करके आ रहा है कि अच्छा ठीक है, टेम्पोन का तो हमें समझ में आ गया, और सैनिटरी पैड्स या जो नैपकिन्स हैं इनका भी हमें समझ में आ गया, सेफ हैं बिल्कुल, इनको उपयोग करें तो अच्छी बात है, ज़्यादा समय तक इनको पहना जा सकता है। टीवी में दिखाते हैं ना कि वो बच्ची ने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया क्योंकि वो चलने करने में समस्या होती है, या कोई वो पहाड़ पे चढ़ना बंद कर दिया, या साइकिल चलाना बंद कर दी क्योंकि समस्या होती है। तो इसलिए ये कंपनियाँ दिखाते हैं कि भाई ये वाला पहनो, आप ये टिका रहता है तो कपड़े उपड़े आपके ख़राब नहीं होंगे, समस्या जो है थोड़ी कम होगी। ये दो बातें समझ में आ गई। तीसरी चीज़ एक मैं आपको बता रहा हूँ, कप्स, आखिरी में आएंगे अपन कपड़े पर, कपड़े पर भी मैं आपको अच्छे से डिटेल बताऊँगा। कप, अब ये कप क्या है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इनको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल कप। ये कप मतलब कप, छोटा कप। तो इस कप में क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि एक इस तरह का बेल जैसा ऊपर शेप है, घंटी के जैसा, और नीचे एक डंडी है कुछ इस तरह से, और ये कुछ ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, लचीला होता है, और सिलिकॉन वगैरह जैसा कुछ होता है कि मतलब खराब, मतलब हमें कोई इंसान के शरीर को इससे कोई समस्या ना हो। तो इस कप को भी क्या करते हैं, इसे पिचका करके सीधा योनि में डाला जाता है, पीछे डंडी से पकड़ करके सीधा योनि में महिलाएं जो है इसको डाल सकती हैं। और इसमें क्या होता है,
जो बूंद बूंद करके रक्त इकट्ठा होता है वो सारा उसमें आके इकट्ठा हो जाता है और फिर उसको जाके ढोल सकते हो। और इसके साथ में एक बात ये है कि ये अच्छे मटेरियल का भी आता है, तो उसको आप बार 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 2-3-4 सालों तक भी काम में ले सकते हो। बस शर्त क्या होती है, जब भी आपका जैसे पीरियड्स का जो समय है वो ख़त्म हुआ, या जैसे हर दिन अगर आप उसको उपयोग में ले रहे हो तो धो लो बहुत अच्छे से, फिर वो हफ्ता भर अगर मान लो आपने उसको काम में ले लिया तो उसको 5 मिनट तक गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में उसको धो लो और फिर उसको रख दो अगली बार काम में लेने के लिए। ऐसा। अब लास्ट में हम आ रहे हैं कपड़े पर, जो सबसे ज़्यादा महिलाएँ उपयोग में लाती हैं। तो इसके ऊपर अगर आप और देखना चाहें जानकारी, तो एक YouTube पर आपको डॉक्टर महक गुप्ता मिलेंगी, अगर आप लिखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है। तो जो बच्चियां हैं जो समझना चाहती हैं, जो मेरी छोटी बहनें हैं, है ना, वो सब जा करके ढूंढ सकती हैं और अपने बड़ों को भी बता सकती हैं बल्कि। तो डॉक्टर महक गुप्ता बता रही हैं कि पहले के ज़माने में जो महिला है ना कपड़ा यूज़ करती थी वो सेफ था। क्यों था? क्योंकि वो उस कपड़े को काम में लेती थी, फिर उसको पहले ठंडे पानी से धोना होता है या थोड़े नॉर्मल पानी से धोना होता है, गर्म पानी से नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप एकदम से किसी भी ऐसे कपड़े को गर्म पानी से धोएंगे तो क्या होगा, खून है, खून एक प्रोटीन है, तो वो गर्म पानी के साथ आके कांटेक्ट में उसमें बदलाव आते हैं कुछ, और वो धब्बे चिपक जाते हैं उस कपड़े पर। तो फिर वो महिलाओं को क्या होता है कि उसको छुपाना है, तो उस कपड़े को पहले नॉर्मल पानी से धो लिया, फिर उसको साबुन वाबुन से अच्छे से धो करके, और फिर एक बार उसको गर्म पानी वगैरह में धो करके अगर धूप में सुखाया जाए तो फिर उस कपड़े से जो इन्फेक्शन होने की संभावना है, जो संक्रमण होने की संभावना है, वो कम हो जाती है। क्योंकि धूप तो यार नेचुरल वो है ना अपना, क्या कहते हैं उसको, सैनिटाइजर, नेचुरल, हवा में ही आप सुखा दिया, अपना काम हो गया। तो ये तरीका जो था सेफ था और रीयूजेबल है ये कहीं ना कहीं तरीका, कि उस कपड़े को बार बार काम में ले जा सकता है। तो वो जो नैपकिन को जगह जगह फेंकने वाली जो समस्या है, कहाँ फेंकेंगे उसको, क्योंकि अगर नालियों में फेंकेंगे तो नालियों में जाम हो जाएगा, फिर वो नालियों में कुछ गड़बड़ होगी, फिर वो बदबूएं आएंगी, या वो भी समस्या बनेगी। और दूसरी बात तो ये है कि जैसे अगर हमारे देश में ये भी एक समस्या है कि अगर मान लीजिए 40 करोड़ महिलाएं अगर हर महीने नैपकिन ऐसे वाले यूज़ करना चालू कर दें, तो आप सोचिए एक साल में करोड़ों करोड़ों टन जो है वो नैपकिन से इकट्ठे हो सकते हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट। और ये भी जो वो वैज्ञानिक हैं सूझबूझ लगा रहे हैं उनके लिए एक समस्या है। तो उसके लिए आजकल कैसे बायोडिग्रेडेबल नैपकिन बन रहे हैं, मतलब ऐसे सैनिटरी नैपकिन जो प्रकृति में ही ख़त्म हो जाएंगे, इसके बारे में जब हम पर्यावरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़रूर अपन से चर्चा करेंगे। तो कपड़े वाला मेथड कुछ ऐसा है कि एक और बात कि कपड़े के भी रीयूजेबल नैपकिन आने लग गए हैं बाज़ार में, इंटरनेट पर मिलते हैं, उनके लिंक्स अगर आप ढूंढेंगे तो डॉक्टर महक गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर भी आसपास में कहीं पर मिल जाएंगे आपको, कि कपड़े का ऐसा नैपकिन जिसको बार बार काम में लिया जा सकता है। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, मतलब ऐसे नहीं कि छोटा मोटा हमने यहाँ कारखाना लगाया है हम भेजेंगे आपको, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, आपके शहर में भी मिल जाएंगे। तो मैं इसीलिए बस कह रहा था कि केवल हमारी समझ ही नहीं इस टॉपिक को लेकर के, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और इवन पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं उनकी भी समझ इसको लेकर के बहुत कम है। और क्यों हम इसके बारे में बात ना करें, जब ये हर महिला को होना है तो क्यों एक पिता अपनी बेटी से ये बातें ना करें, क्यों एक पिता अपनी बेटी को ना बताए कि देख बेटा आप बड़े हो रहे हो, आप 12-13 के हो गए हो, रजोधर्म हो सकता है आपके शरीर में शुरू होने वाला हो, और वो उनको समझाएं, और हो सके तो इस वीडियो का लिंक दे दें, अगर ना समझाने का मन है तो साथ में बैठ करके देख लें, या तो फिर यहाँ जो माताएं हैं वो अपनी बच्चियों को बताएं। बच्चियाँ अपनी माताओं को तक नहीं बताती, ये एक और अजीब बात है। तो देखिए अगर घर वाले बात करेंगे नहीं इस टॉपिक पे, स्कूल में टीचर्स इसको छुड़वा देंगे टॉपिक को, जैसे हमें छुड़वा दिया था, नहीं पढ़ाया था हमें, मुझे भी नहीं पता था 11वीं 12वीं तक भी कि इसके बारे में इतना कुछ है ना, तो फिर बच्चा जाएगा कहाँ, दोस्तों के पास, और दोस्तों को तो वैसे भी नहीं पता, बहुत कम लोग हैं सोसाइटी में जो इन बातों को समझ रहे हैं, और वो बोल दिया कि मंदिर में नहीं जा सकते, आत्मा आ जाएगी, चुड़ैल आ जाएगी, तो डरा क्यों रहे हो भाई इतना। तो जो गलत जो शिक्षा मिलती आ रही है बच्चों को वो गलत है। तो अपन को क्या करना है, ये जो सैनिटरी पैड है या जो नैपकिन है इसको बाहर निकाल देना है, और शिक्षा दोनों को मिलनी चाहिए, लड़कियों को अगर मिल रही है तो लड़कों को भी मिलनी चाहिए बराबर टक्कर की शिक्षा, तभी तो बढ़ेगा इंडिया ना। तो क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है,
हमारी बच्चियां जो भी हैं यहाँ पर या जो भी बच्चे हैं सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं, उनके गांव में या अगर उनके कहीं भी इलाके में कस्बे में ऐसा कुछ बातें होती हैं अजीबोगरीब कि अगर ये छू देंगे तो ऐसा हो जाएगा, या कपड़े को छुपा के ही रखना होता है, या ऐसी कोई भी घटना है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, दिल खोल करके लिखें, ताकि सबको पता चले कि हमारे 21वीं शताब्दी के भारत में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ताकि हम उन सबको पीछे छोड़ कर के आगे बढ़ सकें। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट शेयर याद से करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।